3 अप्रैल 2006 कैंडी क्रिकेट ग्राउंड श्रीलंका, जहां दूसरे और अंतिम टेस्ट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने थी। मुकाबला कांटे का था क्योंकि दोनों ही टीमें इस टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी और दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी थे। मुकाबला शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली इनिंग में 279 रन बना दिए। जवाब में पाकिस्तान की टीम मुथैया मुरलीधरन की शानदार गेंदबाजी के सामने टिक कर खेल नहीं पाई और केवल 170 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस तरह श्रीलंका को 109 रनों की महत्वपूर्ण लीड मिल गई थी। ये इस टेस्ट का अभी दूसरा ही दिन था और दोनों ही टीमें अपनी पहली पारी खत्म कर चुकी थी। बहरहाल श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू हुई और उनके बल्लेबाज पिछली पारी से मिले 109 रनों के इस लीड को और बड़ा करने के इरादे से एक बार फिर मैदान में उतरे। लेकिन अपने करियर का पांचवा टेस्ट मैच खेल रहे 23 साल के एक नौजवान तेज गेंदबाज ने श्रीलंकन बल्लेबाजों के इस मंसूबे पर पानी फेर कर रख दिया। उस मैच में इस नौजवान गेंदबाज का इम्पैक्ट ऐसा था कि उनके सामने पूरी श्रीलंकन टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और उस शानदार गेंदबाज ने उस पारी में 5 विकेट लेते हुए श्रीलंका को केवल 73 रनों के स्कोर पर समेट दिया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने इस मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था। उस नौजवान गेंदबाज ने इस मैच में कुल 11 विकेट लिए और अंत में उन्हें मैन ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, उस नौजवान गेंदबाज का नाम था मोहम्मद आसिफ। पाकिस्तान की सरजमी से निकला एक और प्रतिभाशाली गेंदबाज जिन्होंने आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों की झड़ी लगा दी थी और बल्लेबाजों के लिए एक टफ चैलेंज बनकर उभरे थे। उनकी शानदार गेंदबाजी का प्रभाव ऐसा था कि आज भी कई क्रिकेटर उन्हें मॉडर्न क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं। The best international fast bowler you faced and why? Mohammad Asif is the best one. Mohammad Asif from Pakistan. Mohammad Asif, the Pakistani fast bowler. इस स्पिन ऐसे करते हैं, चलो मेरा एक स्पेल निकाल लो। तुम्हें फास्ट बॉलिंग नजर आएगी, तुम्हें एक सिंपल बॉलिंग नजर आएगी, तू आसिफ ही लगाएगा ना, तुझे आठ नजर आएगा। लेकिन इतनी प्रतिभा होने के बावजूद ये गेंदबाज उन ऊंचाइयों पर कभी नहीं पहुंच पाया जहां उसे होना चाहिए था और अपनी गलतियों की वजह से अपना करियर बर्बाद कर बैठा। आज की वीडियो में हम इसी प्रतिभाशाली गेंदबाज की जिंदगी और करियर के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं और इसके अलावा हम इस वीडियो में उनके द्वारा हुई गलतियों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक शहर शेखपुरा से, जहां 20 दिसंबर 1982 को मोहम्मद आसिफ का जन्म हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हसनदीन गांव के जमींदार थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जमींदार घराने में जन्मे आसिफ को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। क्रिकेट से लगाव होने की वजह से आसिफ को पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपना सारा ध्यान क्रिकेट खेलने में लगा दिया। शुरुआत में आसिफ मुख्यतः एक बल्लेबाज की हैसियत से खेला करते थे, जो जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर लेता था। लेकिन जब उन्होंने 15 साल की उम्र में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब उन्हें क्लब के कोच ने सलाह दी कि आपकी हाइट अच्छी है तो आप गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान दो। कोच की सलाह मानकर आसिफ ने तेज गेंदबाजी करनी शुरू कर दी और एक साल के अंदर ही उनकी गिनती क्लब के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में होने लगी थी। बाद में आसिफ क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के दौरान उन्हें कई टैलेंटेड क्रिकेटर्स को गेंदबाजी करने का मौका मिला, जिससे उनकी गेंदबाजी में और भी निखार आ गया, साथ ही उनकी बॉलिंग टेक्निक भी काफी इंप्रूव हो गई। इंग्लैंड से लौटने के बाद आसिफ ने पाकिस्तान की कई फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीमों के लिए क्रिकेट खेला और वहां भी वो अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान टीम में आसिफ को जगह दी, जिसके बाद आसिफ ने 2 जनवरी 2005 में सिडनी टेस्ट में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। लेकिन दिग्गजों से सजी ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने इस युवा तेज गेंदबाज की एक न चली और विकेट लेने के उनके सारे प्रयास विफल रहे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को इस मैच के साथ साथ टेस्ट सीरीज गंवाकर भुगतना पड़ा। अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में किए गए निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आसिफ को टीम से भी बाहर कर दिया गया, जिसके बाद आसिफ ने दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ओर रुख किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के दौरान उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और बेहतर प्रदर्शन करते हुए दोबारा नेशनल टीम में वापसी के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर दी।
दिसंबर 2005 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर आई, जहां रावलपिंडी ओडीआई में खेलते हुए आसिफ ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। ये उनका डेब्यू ओडीआई मैच भी था, जहां उन्होंने बेहद ही किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लेने में भी सफलता हासिल की। फिर आया साल 2006, जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया पाकिस्तान दौरे पर आई, जहां कराची टेस्ट के दौरान दुनिया ने पहली बार मोहम्मद आसिफ की करिश्माई गेंदबाजी का नजारा देखा। उस टेस्ट में आसिफ ने जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की और उन्हें आउट किया, वो वाकई में क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार पल था। उस मैच में आसिफ ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के मजबूत बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी थी और मैच में कुल 7 विकेट लेकर पाकिस्तान को इस टेस्ट का विनर बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। उनकी शानदार गेंदबाजी का आलम ऐसा था कि जिसके सामने वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी टिक नहीं पाए थे। उन्होंने जिस तरह से इन दिग्गज बल्लेबाजों को आउट किया, उसने आसिफ के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आसिफ श्रीलंका दौरे पर भी गए और वहां भी उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से एक बार फिर सनसनी मचाते हुए टीम की जीत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अगस्त 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू T20 मैच में भी आसिफ की शानदार गेंदबाजी का जलवा बरकरार रहा। उन्होंने इस दौरान T20 क्रिकेट में पहला मैडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ केविन पीटरसन और एंड्रू स्ट्रॉस जैसे धाकड़ बल्लेबाजों का विकेट निकालकर पाकिस्तान की जीत में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आसिफ की गेंदबाजी में हर वो बात थी जो एक चैंपियन बॉलर में होनी चाहिए। परफेक्ट पेस, सटीक लाइन लेंथ और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत, ये सभी खासियत आसिफ में थी जो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग करती थी। गुजरते समय के साथ साथ आसिफ और भी खतरनाक होते चले गए। बल्लेबाजों के लिए तो जैसे उनको खेलना अब एक चैलेंज बन चुका था। साल 2009 के न्यूजीलैंड दौरे पर भी आसिफ ने अपने शानदार गेंदबाजी के सिलसिले को जारी रखते हुए सबसे ज्यादा 19 विकेट लिए और बल्लेबाजों के दिलों में अपना प्रभाव कायम रखा। इस दौरान उन्होंने वेलिंगटन टेस्ट में खेलते हुए न्यूजीलैंड बल्लेबाजों की भी हालत खराब कर दी थी और कुल 9 विकेट लेते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। जनवरी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सिडनी टेस्ट में भी आसिफ ने अपने सनसनीखेज प्रदर्शन से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। उस मैच की पहली पारी में आसिफ की घातक गेंदबाजी के सामने शेन वाटसन, रिकी पोंटिंग, माइक हसी और माइकल क्लार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ने भी घुटने टेक दिए थे। अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से आसिफ अब वर्ल्ड के टॉप 10 टेस्ट गेंदबाजों की सूची में भी शामिल हो चुके थे। इस दौरान उनकी और मोहम्मद आमिर की एक ऐसी जोड़ी बनी थी जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को उखाड़ फेंकने का दमखम रखती थी। इसका एक बेहद ही शानदार नमूना हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जुलाई 2010 में खेले गए लीड्स टेस्ट में देखने को मिला। इस टेस्ट मैच में आसिफ और आमिर की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की एक नहीं चलने दी और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में केवल 88 रनों के स्कोर पर समेट दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में कमबैक करने की पूरी कोशिश की, पर इन दोनों गेंदबाजों ने उनके इन प्रयासों पर पानी फेर दिया। मजबूरन ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आसिफ का करियर अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका था और उनके सामने एक सुनहरा कल बाहें फैलाए उनका स्वागत कर रही थी। पर शायद कुछ लोगों को कामयाबी रास नहीं आती और इसीलिए वे जाने अनजाने में कुछ ऐसा कदम उठा बैठते हैं जो उनकी सालों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर देती है। और ऐसा ही कुछ मोहम्मद आसिफ के साथ भी हुआ। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2010 में, जब इंग्लैंड दौरे पर खेले गए टेस्ट सीरीज के दौरान आसिफ का नाम स्पॉट फिक्सिंग में आया। दरअसल ये किस्सा है लॉर्ड्स टेस्ट का, जो कि उस सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच भी था। इस टेस्ट के खेले जाने तक पाकिस्तान सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही थी और सीरीज को बराबरी पर खत्म करने के लिए उन्हें यह टेस्ट मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। पाकिस्तान की टीम भी उस दिन इस टेस्ट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, पर कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शायद इस टेस्ट मैच की जीत और हार से कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने देश की इज्जत को ताक में रखते हुए केवल कुछ चंद रुपयों के लिए इस मैच में अंडर परफॉर्म करना स्वीकार कर लिया, जिनमें पाकिस्तानी कप्तान सलमान बट, तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के साथ साथ मोहम्मद आसिफ भी शामिल थे। दरअसल आसिफ उस मैच से पहले मजहर माजिद नाम के एक बुकी के संपर्क में आए थे। उस बुकी ने उन्हें एक डील ऑफर की थी जिसमें उन्हें उस टेस्ट मैच के दौरान कहे गए ओवर में 9 बॉल फेंकने थे और इसके बदले में आसिफ को अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। आसिफ को भी यह डील अच्छी लगी और उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली,
ऐसा ही ऑफर उस बुकी ने आसिफ के साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को भी दिया था और वो भी इस झांसे में आ गए थे। मैच के दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस बुकी ने उनसे करने को कहा था और इसमें उनका बराबर साथ दिया उनके कप्तान सलमान बट ने, जो उन्हें मैच के दौरान ये बताते रहे कि उन्हें किस ओवर के किस गेंद पर नो बॉल करनी है। शुरुआत में तो सब नॉर्मल ही लगा, लेकिन बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो आखिरकार स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आ ही गया। स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आते ही आईसीसी भी तुरंत हरकत में आ गई और इन तीनों खिलाड़ियों के क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा आईसीसी इस मामले को अदालत तक लेकर गई। करीब एक साल तक चले इस मुकदमे में 1 नवंबर 2011 को लंदन स्थित साउथ वार्क क्राउन कोर्ट आखिरकार नतीजे पर पहुंची और इन तीनों खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। यह पहला मौका नहीं था जब आसिफ कंट्रोवर्सी में आए। इससे पहले उन्हें अक्टूबर 2006 में परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली ड्रग्स नेड्रोलोन लेने का दोषी पाते हुए पीसीबी ने उन पर एक साल का सस्पेंशन लगा दिया था। इसके अलावा जून 2008 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इलीगल ड्रग्स रखने के आरोप में भी दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आसिफ को अपने कस्टडी में ले लिया था, जिसके बाद पीसीबी को आसिफ के बचाव में आना पड़ा था और एक लंबे प्रोसेस के बाद ही उन्हें छोड़ा गया था। इसके अलावा और भी कई मौके हैं जहां आसिफ का नाम कंट्रोवर्सी में आ चुका है, जैसे कि शोएब अख्तर के साथ हुई ड्रेसिंग रूम इंसिडेंट और आईपीएल 2008 के दौरान स्टेरॉयड लेने की घटना। हालांकि इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी आसिफ ग्राउंड पर वापसी करते रहे और अपनी शानदार गेंदबाजी से क्रिकेट फैंस का मनोरंजन किया। पर साल 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद आसिफ फिर दोबारा कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए और इस तरह एक बेहद ही प्रतिभाशाली गेंदबाज जो आगे चलकर वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे महान पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता था, महज चंद रुपयों के लालच में अपना करियर बर्बाद कर बैठा। आसिफ ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 23 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने लगभग 3 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए कुल 106 विकेट लिए हैं, जिनमें उनका बेस्ट 41 रन देकर 6 विकेट रहा। वहीं 38 ओडीआई मैचों में उन्होंने 4.71 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए कुल 46 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 28 रन देकर 3 विकेट है। इसके अलावा आसिफ ने पाकिस्तान की तरफ से 11 टी20 मैचों में भी हिस्सा लिया है, जिनमें उनके नाम 13 विकेट दर्ज है। हालांकि ये आंकड़े और बेहतर हो सकते थे अगर आसिफ अपनी हरकतों पर नियंत्रण रखते हुए केवल अपने खेल पर ध्यान देते, पर दुख की बात यह है कि वो ऐसा नहीं कर सके और इसका खामियाजा उन्हें अपना करियर गंवाकर भुगतना पड़ा। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आसिफ ने अक्टूबर 2010 में अपनी बचपन की दोस्त रही सानिया हिलाल से शादी की है। आसिफ की पर्सनल लाइफ भी उनके क्रिकेट करियर की तरह कंट्रोवर्सी से अछूती नहीं है। साल 2009 में आसिफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल रही वीना मलिक के साथ अफेयर की वजह से चर्चा में रहे। फिर बाद में उसी वीना मलिक ने आसिफ को उधार में दिए गए पैसे वापस मांगने पर उन्हें आसिफ द्वारा नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। फिलहाल आसिफ अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद आसिफ की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।